भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तान को डर है कि पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दूसरी तरफ केंद्र ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां भेजी हैं। हालांकि सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है फिलहाल ये किसी को मालूम नहीं। पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों की सरहद पर हलचल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई। गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां जम्मू कश्मीर भेजी गईं। सोमवार से अनुच्छेद 35A के मामले में सुनवाई भी शुरू हो रही है, जिसे लेकर सरकार सतर्क है। कल पाक सेना प्रमुख बाजवा ने LOC का दौरा कर अपनी सेना को हर हालात के लिए तैयार रहने को कहा। पाकिस्तान को डर है कि पुलवामा हमले के बाद भारत कभी भी उस पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। जम्मू कश्मीर में गवर्नर के सुरक्षा सलाहकार ने कहा, जैश का नेटवर्क खत्म करने की योजना पर काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। इसकी पहली वजह तो बॉर्डर पर बढ़ता तनाव माना जा रहा है, जबकि दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि 35A जैसे संवेदनशील मसले पर सोमवार से सुनवाई शुरू हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 35A को हटाने या फिर उसमें बदलाव का आदेश देता है तो कट्टरपंथी घाटी में हिंसा कर सकते हैं। उधर पुलवामा हमले पर भारत की चेतावनी से घबराए पाकिस्तान में भी सरहद पर अलर्ट घोषित किया है। जम्मू कश्मीर में गवर्नर के सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने कहा है, पुलवामा हमले को अंजाम देने वाले जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क खत्म करने की योजना पर काम हो रहा है। I would not get into any conjecture or guess. This is a different cup of tea. Herbal cup of tea is different from normal decoction. That's all I will say. पुलवामा आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC के पास नौशेरा और सुंदरबनी सेक्टर के लोगों ने सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करना चाहते तो पाकिस्तान को वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि उसको सबक सीखे और वो फायरिंग बंद करे। ये जो सियासी लोग हैं अपनी सियासत को गरमाने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि ये जो हादसा वैली में हुआ है ये बहुत बड़ा हादसा है, इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। आर पार की लड़ाई हो या जिस तरह से भी यहाँ की सरकार पाकिस्तान को जवाब देना चाहती है उसको जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए।